तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू चीज पराठा। तो इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज के पोटैटो को बॉईल करके मैश कर लिया है, तो मैं इसको बॉल में डाल देती हूँ। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, थोड़ी सी कद्दूकस की हुई गाजर, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर चुटकी भर, भुना हुआ जीरा, अमचूर पाउडर थोड़ा सा, ये बारीक कटी हुई मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा लगा लिया था, अब इसकी लोइयां बना ली मैंने दो, तो हम इसको बेल लेते हैं। अब इसमें हम ये आलू के मसाला डाल देते हैं इसमें, और अच्छी तरह से इस टाइप से इसको बांध देते हैं ताकि ये खुले नहीं। हम इसे धीरे धीरे बेल लेते हैं। तो मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया, तो मैंने इसे दूसरी साइड से पलट दिया है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा दूंगी। दूसरी साइड से भी लगा देते हैं इसमें। इसको अच्छे से दोनों साइड से सेक लेते हैं। तो अब मैं इसको काटूंगी। जैसे हम लोग पिज्जा काटते हैं बस उसी हिसाब से इसको काटूंगी मैं। तो इसे हम अभी इस तरह से खोल देते हैं, इसको स्टार का शेप देते हैं।
अब इसमें हम थोड़ी सी चीज डाल देते हैं। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देते हैं इसमें। तो आप इसे सब्जी के साथ भी खा सकते हैं या फिर सॉस चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।